ये जियो का न्यूली लॉन्च फीचर फ़ोन है जियो भारत V2 4G, और ये जियो के पुराने फीचर फ़ोन हैं। तो दो आज की वीडियो में बात करेंगे कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये फ़ोन आपको 1000 रुपये का मिलता है और ये फ़ोन बीच में खुलाना बंद हो गया था मार्केट में, अब दोबारा से इसको रिफर्बिश्ड करके लाया जा रहा है। बाकी उस टाइम पर ये आपको लगभग 1600 रुपये के आसपास फ़ोन मिलता था। सबसे पहले मैं बिल्ड की बात करूँ तो ये इसकी बिल्ड थोड़ी प्रीमियम और थोड़ी अच्छी लगती है पकड़ने में, लेकिन छोटा और लाइट वेट ये लगता है। इसको लगेगा कि आपने कुछ पकड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक छोटा सा फ़ोन है, हल्का सा हैवी हो जाता है थोड़ा सा। तो बिल्ड लेकिन मुझे इसकी ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और दोनों ही फ़ोन्स के लिए आपको डिफरेंट प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं, रिचार्ज के प्लान दोनों के लिए अलग हैं। मैंने इसके सिम को इसमें डाल के देखा था, नेटवर्क आ रहे थे, कोई कॉल आ रही थी तो मैं पिक कर सकता हूँ, लेकिन कॉल डायल नहीं हो रही थी और ना ही इंटरनेट का मैं यूज़ कर पा रहा था। तो यहाँ पर आप दोनों के सिम का यूज़ नहीं कर सकते हो एक दूसरे में, आपको दोनों के लिए अलग ही रिचार्ज कराने होंगे। कीपैड की बात करें तो इसमें आपको रबड़ वाले कीपैड मिलते थे, और अगर जो आपने ये फ़ोन कभी यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कीपैड इसके बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। इस बार देखते हैं कि ये कितनों तक अच्छे चलते हैं। आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, मुझे प्रॉब्लम तो दोनों में ही, मतलब यूज़ करने में तो किसी में प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन थोड़े प्रीमियम ये वाले लगते थे, लेकिन ये ख़राब जल्दी हो जाते थे। अगर जो ये अच्छे चलते हैं लॉन्ग टाइम तक तो फिर भी ये काफ़ी बेटर रहेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ यहाँ पर आपको पुराने वाले में एक कैमरा भी मिल जाता था, जिसका आप यूज़ कर सकते थे वीडियो कॉल के टाइम पर। तो इससे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको वीडियो कॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। कैमरा इतने तकड़े नहीं है, लेकिन फंक्शन मिलता है और आप उसको थोड़ा बहुत यूज़ भी कर सकते हो। नीचे के साइड में आपको सेम 3.5 mm जैक मिल जाता है, माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और इसमें आपको यहाँ पर माइक मिलता है। बाकी इसका माइक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको टॉर्च मिल जाती है, इसमें आपको काफ़ी बड़ी सी टॉर्च मिलती है और इसमें एक छोटी सी टॉर्च है। बैक साइड में सेम आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाता है और इधर स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर 2 MP का कैमरे का यूज़ किया गया है और यहाँ पर सिर्फ 0.3 MP का एक कैमरा यूज़ किया गया है। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात, दोनों फ़ोन में ज़्यादा अच्छा कौन सा चलता है, मतलब लैग कौन सा होता है। सबसे पहले अगर जो हम मेनू वगैरह ओपन करते हैं तो ये जो नया वाला फ़ोन है ये थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि अगर जो आपने ये फ़ोन यूज़ किया होगा इस पर ज़्यादा नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह है तो ये काफ़ी लैग हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कई OS मिल जाते हैं। इसमें एकदम सिंपल UI है इसके, मतलब बिल्कुल बेसिक सा फ़ोन है। बाकी जगह पर तो ये लैग वगैरह नहीं होता है, लेकिन अगर जो आप जियो सिनेमा जियो सावन वगैरह ओपन करते हो, इंटरनेट चलाते हो, तो उस टाइम पर आपको ये थोड़ा थोड़ा लैग ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप बटन प्रेस करोगे और थोड़ी देर बाद जाके वो हल्का सा डिले होकर वर्क करेगा, लेकिन इसमें अगर जो आप मेनू में भी जाओगे तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसकी सिंपल सी UI होने की वजह से ये थोड़ा सा इससे फास्ट है। बाकी अगर जो आपने ये फ़ोन यूज़ किया होगा तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी स्लो रहता है फ़ोन। लेकिन अगर जो हम फंक्शंस की बात करें तो इस वाले फ़ोन में जो न्यू वाला लॉन्च है इसमें आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आपको इंटरनेट चलाने के लिए ओपरा मिनी ब्राउज़र मिल जाता है, जियो सिनेमा का ऑप्शन मिल जाता है, जियो सावन का ऑप्शन मिल जाता है, बस यही आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन अगर हम पुराने वाले फ़ोन की बात करें तो इसमें आपको फेसबुक भी मिलती थी, जियो स्टोर भी मिलता था अलग से ऐप इंस्टॉल करने के लिए, व्हाट्सअप भी मिलता था, जियो सिनेमा भी मिलता था, यूट्यूब का भी ऑप्शन मिलता था इसमें आपको, जियो क्रिकेट का ऑप्शन, जियो न्यूज़ का, जियो हेल्पलाइन, कैमरा भी हम आगे चेक करेंगे, गैलरी का ऑप्शन, फाइल मैनेजर तो उसमें भी है, म्यूज़िक प्लेयर उसमें भी है, वीडियो प्लेयर, FM रेडियो उसमें भी मिल जाती है आपको, इंटरनेट का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जियो गेम्स का भी ऑप्शन मिलता है, जियो साउंड उसमें भी मिलता है, जियो TV का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको इसमें नहीं मिलते हैं। और अगर जो आप यूट्यूब वगैरह जियो सिनेमा वगैरह देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा बहुत आप इस पर देख सकते हो, इतना अच्छा तो इस पर भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हो उन सभी फीचर के लिए। लेकिन इसका यूज़ आप सिर्फ जियो सावन के लिए, मतलब म्यूज़िक प्ले करने के लिए ही अच्छे से कर सकते हो, बाकी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इतना अच्छे से विजिबल नहीं होगा। और दोनों के कलर और स्क्रीन क्लियरिटी की बात करूँ तो इसमें ही आपको अच्छे से कलर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन तो आपको इसमें मिल जाते हैं अगर जो आपको इस तरह के फंक्शन यूज़ करने हैं। और कैमरे की बात करें तो कैमरा तो दोनों में ही, खैर इसमें भी 2 MP का है, लेकिन आप इसका थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, इसका बिल्कुल यूज़ नहीं होगा लेकिन इसका थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है। अगर जो किसी को कुछ भेजना है WhatsApp पे तो आप इसमें WhatsApp पर भी भेज सकते हो, बहुत ही रेयर यूज़ हो पाएगा, लेकिन यूज़ कर सकते हो आप इसके कैमरे का थोड़ा बहुत। दोनों में ही कॉलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों ही कॉलिंग के टाइम पर अच्छे से वर्क करते हैं। इस फ़ोन की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने इसके साथ ब्लूटूथ पेयर किए थे और फिर जियो सावन से म्यूज़िक प्ले किया था, तो ब्लूटूथ में साउंड नहीं आ रही थी। कॉलिंग के टाइम पर ब्लूटूथ डिवाइस आपका वर्क करता है,
लेकिन अगर जो आप कुछ सॉन्ग प्ले करते थे इसके साथ कनेक्ट करके तो वर्क नहीं करता था, लेकिन इसके साथ मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट की है और अगर जो मैं सॉन्ग भी प्ले कर रहा हूँ तो साउंड हमारी नेक बैंड से आ रही है, तो इसमें आपको ये भी फीचर मिल जाता है। बाकी आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं मतलब ज़्यादा क्लियर व्यू वगैरह आपको इसमें इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सॉन्ग के नेम ही मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ सॉन्ग के नेम वगैरह मिलेंगे, लेकिन इसमें आप अच्छे से टॉगल कर सकते हो, मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। और जियो सिनेमा वगैरह भी आप अगर जो इसमें ओपन करते हो तो इसमें देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको मिलेगा लिखा हुआ, सिर्फ आप यहाँ से कुछ ही चला सकते हो, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा जिस तरीके से आपका जियो सिनेमा दिखता है, पूरे का पूरा आप यहाँ से कुछ भी प्ले कर सकते हो। आप देख सकते हैं काम तो काफ़ी देर बाद करेगा, मतलब थोड़ा स्लो ही चलता है ये वाला फ़ोन, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। और इसमें आप YouTube का भी मज़ा ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको YouTube का फीचर ही देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब आप अगर जो इंटरनेट ब्राउज़र में भी जाके प्ले करते हो तो भी आप YouTube नहीं चला सकते हो। तो आप इसमें शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हो, मतलब मल्टीमीडिया का कंजप्शन आप इसमें अच्छे से कर सकते हो। ये फ़ोन अभी डिसकंटिन्यू है, लेकिन दोबारा से आने वाला है जियो ग्रीन करके। अब बात करते हैं कि आपको इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर जो आपको ये 1600 का मिल जाता है तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही है, क्योंकि ये भी आपको 1000 का मिलता है। लेकिन अगर जो आपके पेरेंट्स ऐसे हैं उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप या तो वो सिर्फ गाने सुन सकते हैं या फिर सिर्फ उन्हें कॉलिंग के लिए ही फ़ोन चाहिए, तो आप ये भी दिला सकते हैं, क्योंकि इससे ये कम लैग होगा, उनको यूज़ करने में थोड़ा सा सही लगेगा। बाकी अगर जो उनकी मतलब आँखों वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिस्प्ले बड़ी इसकी है, आपको लेटर्स तो बड़े इसमें दिखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं नंबर डायल करने पे इस पर काफ़ी छोटा आ रहा है, इस पर काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो यूज़ेबल दोनों है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले अब मुझे इसकी ही बेटर लगी है। लेकिन अगर जो उन्हें थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया भी करना है, आप इसमें यूट्यूब भी देख सकते हो, जियो सावन, जियो, मतलब इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप इसमें नहीं मिलते हैं। आप इसमें ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके भी सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, अपनी वीडियोज़ देख सकते हो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ ही, यूट्यूब भी ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह के साथ ही देख सकते हो, तो ये फीचर आपको डिफेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो अगर जो आपको ये मिल जाता है 1600-1700 तक का फ़ोन, तो आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि दोनों के रिचार्ज में भी काफ़ी डिफरेंस है। इसका आपका रिचार्ज होता है 123 रुपये का, और जिसमें आपको 0.5 GB डाटा मिलता है, लेकिन आप इसमें 0.5 GB डाटा यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें आपको 86 रुपये का रिचार्ज होता है 0.5 GB डाटा के साथ, लेकिन आप डेली का 0.5 GB डाटा इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी हो सकता है कि आपको जो आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको इसका डाटा कम पड़े। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है, किसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और कौन ज़्यादा यूज़ेबल है। बाकी आपका किस तरह का यूज़ है, आपको किसको ये फ़ोन दिलवाना है, उसके हिसाब से आप ये दोनों फ़ोन दिला सकते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर जो आप और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं, आपको कुछ मतलब एक फ़ीचर फ़ोन ही देना है, तो आप अदर ब्रांड के भी देख सकते हैं। उसमें 2000-3000 रुपये के भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी इनसे, लेकिन उसमें आप इस तरह का जितना मज़ा आप इसमें ले सकते हो YouTube वगैरह का, वो मज़ा नहीं ले पाओगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और इसकी डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।